हेलो एवरीवन, देखिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी की आपका उसका जो क्वेश्चन है 3.14 जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 57 पर। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कहता है अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक स्ट्रेट रोड है, ये एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और जो मैन वॉक कर रहा है स्ट्रेट रोड पे अपने होम से कहाँ पर मार्केट तक, उसका जो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 किलोमीटर का है, और वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो क्या देखता है, फाइंड द मार्केट क्लोज्ड। मार्केट क्या है यहाँ पर, क्लोज्ड है। अब क्लोज्ड है तो ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक होम विद अ स्पीड ऑफ कितना, 7.5 किलोमीटर। मतलब जब वो गया तो उसकी स्पीड थी कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन जब आया तो उसने थोड़ा जल्दी आया, वो मतलब तेज चलकर आया, 7.5 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी, ठीक है। कहता है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, फिर बी पार्ट में क्या कहते हैं, एंड एवरेज स्पीड। अब ये यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या हो जाती है बच्चों को, कि यहाँ एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है, यहाँ इंटरवल कुछ नहीं बताया, तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि टोटल के लिए एवरेज वेलोसिटी वो पूछ रहा होगा, तो उस केस में फिर क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पर एंड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। तो अगर आप समझ पाओगे इसको कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी टोटल की है, तो टोटल के केस में जब हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, होम से मार्केट, मार्केट से फिर होम, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ, तो यहाँ तो पाथ रहा ही नहीं ना, जब होम से मार्केट गया और मार्केट से होम गया। अगर हम बात करते सिर्फ खाली होम टू मार्केट की, तो फिर यहाँ पर स्पीड की भी कहानी वही रहती और वेलोसिटी की भी वही रहती, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता, क्लियर है ये बात। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, अगर होम टू मार्केट और मार्केट टू होम, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो 2.5 जाने का, 2.5 आने का, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाता है वो 5 का हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ये समझेंगे इसको कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालना है, लेकिन कोई इंटरवल दिया नहीं हुआ और हम सोच लें कि ए पार्ट अलग है और इसका टोटल हमें बताना था एवरेज वेलोसिटी, यानी कि टोटल कहानी जो थी होम टू मार्केट, मार्केट टू होम, तो बच्चे आंसर क्या करते हैं, इसका ज़ीरो करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में उसने जो बोला ना मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड, फिर बी पार्ट में कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम, फिर कह रहा है फर्स्ट पार्ट में 0 to 30 मिनट, 0 to 50 मिनट, 0 to 40 मिनट। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, कि एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है, एवरेज स्पीड भी बतानी है, किन इंटरवल्स के लिए, 0 to 30 मिनट के लिए, 0 to 50 मिनट के लिए, 0 to 40 मिनट के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, अब कहानी को समझते हैं। देखो जरा हमें ये पार्ट समझना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए और बी में तो ये कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है और एवरेज स्पीड भी बतानी है, दोनों कहानियाँ बतानी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मार्केट गया, होम टू मार्केट गया, इसे कितना टाइम लगा, ये हम निकालते हैं सबसे पहले, समझ रहे हो बात। क्योंकि देखो कहानी क्या होने वाली है, जब आप निकाल लोगे ना, देखो जैसे मैं फर्स्ट पार्ट निकालता हूँ, यहाँ पर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले हैं वो क्या है, यहाँ तो आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, यहाँ आ जाएगा टोटल टाइम, और यहाँ क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब यहाँ टाइम तो हमें पता है क्योंकि ये 0 to 30 मिनट की कहानी है, और यहाँ भी क्या है, 0 to 30 मिनट्स की ही कहानी है, ठीक है। तो टाइम तो पता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 30 मिनट में कितनी हुई और ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 30 मिनट में, ये तो नहीं पता। तो हम पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसका जानने का कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, कितना डिस्टेंस रहा 30 मिनट में। तो हम पहले ये देख लेते हैं होम टू मार्केट का कितना जो है आपके पास टाइम लगता है। तो देखो होम टू मार्केट के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पर होम टू मार्केट के लिए जो टाइम लगता है वो क्या लगता है, टाइम का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होता है, देखो आपको पता ही है जो स्पीड होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम का कितना हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है आपके पास, 2.5 है, और स्पीड कितनी है, 5 की है, स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर।
2.5 किलोमीटर और नीचे 5 किलोमीटर पर आर, तो किलोमीटर किलोमीटर तो आ ही रहा है दोनों में, तो कोई टेंशन नहीं है चेंज करने की यूनिट्स को, ठीक। तो इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लग जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 5 5s एंड 5 2s, कितना आ गया 1/2 आवर्स। 1/2 आवर्स का मतलब क्या होता है, 30 मिनट। तो टाइम आ गया 30 मिनट, यानी कि अब अगर हम यहाँ से बात लगाएं कि 30 मिनट्स के अंदर डिस्टेंस कवर किया, 2.5 कवर किया। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहीं से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हमें टाइम पता है तो डायरेक्ट हम निकाल सकते थे, टाइम ये है और स्पीड ये थी तो हम निकाल लेते हैं। लेकिन हमें थोड़ी पता है कि ये 30 मिनट में इतनी स्पीड में चला है, 5 किलोमीटर पर आवर में चला है। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे ना कि हमें जब टोटल यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेस में, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं डायरेक्ट ही, स्पीड इंटू में टाइम करके आप कहते हैं टाइम लगा 30 मिनट का, यानी कि 30/60 अगर आवर्स में कन्वर्ट करें, और स्पीड हमें दी हुई है 5 की। लेकिन एक बात को ये समझो, ये मुझे थोड़ी पता है कि ये 30 मिनट में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये तो कहीं नहीं बताया उसने, हमें इतना पता है। लेकिन हाँ, 30 मिनट कब हुए होंगे, होम टू मार्केट और मार्केट टू होम के जाने के बीच में ही रहे होंगे, तो हम तो वो डिस्टेंस देख रहे थे। तो वो डिस्टेंस पूरा पूरा आ गया कितना, होम टू मार्केट का कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। तो यानी कि 2.5 होम टू मार्केट का, तो यानी कि अगर 2.5 नॉर्मली हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी वही रहेगी 2.5, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हम बात कर रहे हैं और होम टू मार्केट की हो रही है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, 2.5 है, और टोटल टाइम कितना बताया था उसने, 30 मिनट। तो 30 मिनट के लिए हम चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 60, और वो डिवाइड बाई 60 यहाँ आता है इस तरीके से करते हैं, और ये चेंज कैसे हो जाता है, 2.5 और ये 30 और ये 60 कहाँ चला जाता है, ऊपर चलता है, और ये पॉइंट हटा के हम ये इसका 10 लगा देते हैं नीचे। बताओ समझ में आ रहा है, इस 2.5 का पॉइंट हटाकर, तो 0 से ये 0 कैंसिल, और ये देखो 5 5s 5 6s और ये 6 6 कितना आ गया आपके पास, 5 किलोमीटर पर आर की एवरेज वेलोसिटी आ रही है। सेम यहाँ भी रहेगा एवरेज वेलोसिटी जो हम बात करेंगे, ये मैंने यहाँ ऊपर कर दिया, ये कहानी कहाँ थी आपकी, यहाँ पर आनी थी, क्योंकि ये हमने एवरेज वेलोसिटी का किया ना, तो ये आपने सोल्व तो देख ही लिया कैसे किया मैंने ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ऊपर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया था ना मैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि नीचे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर, 5 किलोमीटर पर आर की आ गई। बताओ समझ में आया, ठीक है। अब हम जब एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो वहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही था, तो यही वाली आएगी आपके पास, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2.5, और टोटल टाइम भी कितना है इसका, 30 मिनट, 30 को चेंज करेंगे मिनट से किसमें, आर्ट्स में, तो डिवाइड बाय 60, और वो 60 यहाँ ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब कई बच्चों को ना ये भी समझ में नहीं आता, कई बार मेरे कमेंट में पूछते हैं कि ये 60 ऊपर कैसे आ गया, मान लो कोई और क्वेश्चन था कोई, ठीक है, तो उसमें ये पूछते हैं कि जब नीचे आना था तो ये ऊपर कैसे आ गया, तो यार ये समझो ना आप बात को, 2.5 है और 30/60 है, तो ये 60 जब ऊपर जाता है तो कैसे जाता है, 2.5 30 और ये 60 ऊपर चला जाता है, एक तरह से 60/30 हो जाता है। बात को समझते हो या नहीं, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देनी है, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो आपके क्लियर रहने चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आई गई है यहाँ पर, ठीक है, और ये पॉइंट हटा कर इसका हम 10 लगा देंगे, तो ये आपके पास कितना आ गया आपके पास, ये 0 से ये 0 कट गई, 3 या इसी तरीके से कर देते हैं जैसे ये किया था आपने, ठीक है। तो यहाँ पर ये था आपके पास किस तरीके से, 3 2s, चलो ऐसे कर लेते हैं, 3 2s 6 और 5 2s 5 5s 25, तो ये 2 से 2 कट गया, वही आंसर आ रहा है, देख रहे हो 5 किलोमीटर पर आ रहा। तो सोल्व करना यार जैसी मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या था कि जब होम टू मार्केट की ही बात हो रही थी तो हमें उसमें पता चल गया 30 मिनट में कितना डिस्टेंस हो रहा है, 2.5, तो वही डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेसमेंट है। मेन कहानी यही है कि पहले ये पता करना है कि कितने मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो आपके पास, ये वाला, ठीक है। तो वो कैसे पता चला हमें, हमने टाइम निकाला पहले तो, कि होम टू मार्केट का जाने का टाइम कितना है, तो वो कितना आ गया, 1/2 आवर्स ही आ गया, और इसी तरीके से आएगा क्वेश्चन में, जितना टाइम लग रहा होगा ना उतना ही आपको यहाँ पर गिवन होगा, बात समझ। जैसे 30 मिनट दिया हुआ है ना, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन होगा कि होम टू मार्केट का टाइम ही कितना होगा, 30 मिनट होगा। तो ये निकाल के भी देख लिया आपने, ऐसे तुक्के से नहीं मार देना, पहले तो निकाल के ही देखोगे। तो यहाँ हमने ये करके देखा पहले कि कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट, तो 30 मिनट का हमें पता चल गया, यानी कि फिर डिस्टेंस कितना है, 2.5 कवर हो रहा है। तो बस यहाँ से हमें कन्फर्मेशन मिल गई 30 मिनट में कितना हो रहा है, 2.5, तो वही डिस्प्लेसमेंट है, वही क्या है, डिस्टेंस है, तो उसकी हेल्प से हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ क्लियर हुई बात या नहीं। अब इसका देखो सेकंड पार्ट में क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है कितने के लिए, हमारे पास है ये 0 to 50 मिनट के लिए, ठीक है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ठीक है ना, 0 to 50 के लिए, तो हमें अब फॉर्मूला तो पता ही है, बार बार नहीं लिखेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम की बात होती है, ठीक है। अब आप इसमें कैसे करोगे, देखो अब आप खुद सोचो, इसके अंदर हमें इतना पता चल गया
कि 30 मिनट में, देखो यहाँ से यहाँ 30 मिनट लगे उसे, ठीक है। उसके बाद तो वो वापसी हुआ है, तो वापसी जब हुआ है तो यानी कि अब वापसी के लिए हम देखेंगे 30 मिनट तो उसके जाने में लगे, और टोटल 50 मिनट के लिए पूछ रहा है, यानी कि वो 20 मिनट कौन से हैं आने वाले हैं। अब वो 20 मिनट कौन से हैं, वापसी वाले हैं ना, और वापसी में स्पीड कितनी थी बताओ, 7.5 किलोमीटर पर आवर की थी। ये बात समझ पा रहे हो? देखो यहाँ से समझो, इस तरीके से समझो, ये होम है, ये मार्केट है, ठीक है। यहाँ तक तो 30 मिनट में वो पहुँच गया, अब 50 मिनट के लिए हमें करना है, तो अब 20 मिनट कौन से हैं, वापसी वाले हैं, ये 20 मिनट ये वाले हैं, और इसके लिए स्पीड कितनी दे रखी है, 7.5 किलोमीटर पर आवर, या नहीं? तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि ये जो 20 मिनट हैं ये वापसी के ही हैं, और उसमें स्पीड कितनी थी, 7.5 है। पहले हमें ये नहीं पता था कि ये 30 मिनट कौन से वाले हैं, हो सकता था 30 मिनट ये 20 मिनट में ही कवर कर रहा हो, 10 मिनट और एक्स्ट्रा होते, तो वो वाली कहानी हो जाती, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला कि इसका टाइम कितना था होम टू मार्केट वाला, तो वो हमने बाय चांस पता चल गया कि 30 मिनट ही आ रहा है, तो हमारे लिए सही हो गया। अब हमें पता है 30 मिनट में तो ये 2.5 कवर कर रहा है जाने का, अब आने में अगर हमें 50 मिनट का हमें निकालना, तो 30 मिनट तो जाने में लगे, 20 मिनट वो वापसी के ही होंगे, वो अलग बात है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वापसी का, समझ पा रहे हो? अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे कि डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, 7.5 है, और टाइम कितना है, 20 मिनट, यानी कि 20/60, इसी के लिए निकलेगा 2, 3, 6, तो 7.5/3 यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो 10 लग जाएगा। अब 75 को 3 से करोगे जरा कितना होता है, 3 कितना हो गया 3 2 6 एंड 3 5 15, तो 25/10 यानी कि 2.5 ही आ रहा है, तो यानी कि 20 मिनट में उसने यानी कि पूरा ही डिस्टेंस कवर कर लिया ये वाला। जाने में उसे 30 मिनट लगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ स्पीड कम थी, 5 की थी, अब आने में उसे कितना लग रहा है, 20 मिनट ही लग रहे हैं, क्योंकि हमने 20 मिनट का निकाल लिया, 2.5 भी कवर कर रहा है, तो वापसी में पूरा का पूरा डिस्टेंस 2.5 का कवर कर लिया। तो यानी कि अब ये 50 मिनट की जो कहानी बनी है वो क्या बनी है, होम टू मार्केट, मार्केट टू होम। तो इसका मतलब अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है ना, तो ये जीरो हो गई, और टाइम कितना है हमारे पास, 50 मिनट की बात है तो 50, क्योंकि देखो टोटल टाइम 50 है, तो उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो टोटल टाइम 50 में 30 तो जाने के और 20 आने के, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई, तो ये तो क्या आ गया, जीरो ही आ गया। कितनी बात समझ में आ रही है ये नहीं। अब स्पीड की बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, और नीचे क्या आ जाता है, टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अब कितना, 2.5 जाने का, 2.5 ही आने का, तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, और टाइम कितना लगा, 50 मिनट, और 50/60, और 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये देख लो कितना आ गया आपके पास, 6 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ गई। बताओ समझ में आया या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ आया समझ में। अब देखो थर्ड की हम बात करें, अगर थर्ड में हमें क्या बोलता है, कहता है 0 to 40 मिनट का बताओ जी क्या होता है। तो अब 0 to 40 मिनट की हम बात करें, तो यहाँ से मैं अगर आपको समझाऊँ, ये होम था, ये मार्केट था, जाने में लगे थे उसे कितने, 30 मिनट। अब 40 मिनट की टोटल बात करें, तो 30 मिनट तो यहाँ लग गए, तो 40 कैसे पूरे होंगे, अब 10 यानी कि कौन से हैं, अब बीच के होंगे आने के, या नहीं? और ये वापसी वाले जो 10 मिनट थे, इनमें जो स्पीड थी वो कितनी थी, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इनटू में टाइम, तो स्पीड है 7.5, और 10 मिनट्स के लिए निकाल लेंगे तो ये कितना होगा, 10/60, और पॉइंट हटा देंगे तो ये भी 10 लग गया, तो 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो 75/60 मतलब 5 ones are 5 and 5 5s are 25 and 5 ones are and 5 2s are, ठीक है, और फिर 3 पे कर लो, 3 5s are 3 4s are, 5/4 बनता है, और 5/4 को 4 ones are 4 डिवाइड कर रहा हूँ मैं, कितना 1 बचा, और फिर 0, तो पॉइंट, 4 2s are 8 and 4 5s are 20, ये आ रहा है आपके पास किलोमीटर का डिस्टेंस। यानी कि जब वापसी में आया वो, तो उसके पास उसको जो टाइम लगा वो कितना लगा, 1.2, मतलब उसको जो डिस्टेंस उसने कवर किया 10 मिनट में वो कितना किया, 1.25 किया, क्या क्लियर है? अब यहाँ भी एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है, किसके लिए, 0 to 40 के लिए, तो हमें डिस्प्लेसमेंट देखनी है, और टाइम, टाइम तो हमें पता चल गया 40/60, और वो 60 ऊपर चला गया। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या होगी, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, देखो यहाँ पर आपको पता है ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस था वो कितना है, 2.5 का है, अगर हम ये वाला डिस्टेंस देखें 2.5 का है, और यहाँ से
10 मिनट में उसने कितना कवर किया है, 1.25 मान लो यहाँ किया है 1.25, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अगर ये मेरा पॉइंट ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम बोलते हैं, या शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ए टू सी है। अब ए टू सी अगर है तो वो कैसे निकलेगा, ए टू सी, ए सी कैसे निकलेगा, ए बी माइनस में बी सी, तो ए बी कितना है 2.5 और ये माइनस करेंगे 1.25, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 1.25 ही आ जाएगा। करोगे तो अगर देखो यहाँ करता हूँ 2.5 में से 1.25 करेंगे, इधर जीरो लगा दे, 20 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2 और ये 1, तो 1.25 आ रहा है। आ रही है बात समझ में, तो यहाँ पर लगा दो कितना 1.25, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है अब 1.25 की है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, ठीक है जी। तो इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को करो और ये 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो 5 पे कट कर देते हैं इसको, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 5 4 ज़ा एंड 5 5 ज़ा, तो 5 3 ज़ा कितना हो गया 15 एंड 4 2 ज़ा 8, 15/8 किलोमीटर पर आर एवरेज वेलोसिटी आ गई। आपको पॉइंटों में निकालना तो आप पॉइंट में भी इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज जब हम स्पीड की बात करेंगे तब हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना। अब शॉर्टेस्ट पाथ की तो कहानी है नहीं 40 मिनट में, 40 मिनट में देखो 30 मिनट वाले ये 2.5 और 10 मिनट में ये 1.25, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 2.5 में 1.25 ऐड करेंगे तो कितना आ गया ये 3.75 आएगा, कितना आएगा 3.75, और जो टोटल टाइम है वो कितना है 40, और 40 डिवाइड बाई 60 यहाँ ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटा दो 100 आएगा, ठीक है। इसका एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसको अगर हमें सॉल्व करना है, 5 2 ज़ा 10 और ये 0, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से कर लो 5 4 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा एंड 5 5 ज़ा, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है आपके पास, 15 3 ज़ा 45 अपॉन में 4 2 ज़ा 8 किलोमीटर पर आर, ये इसका आंसर आ गया एवरेज स्पीड का। तो देखो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल बड़े इजी हैं। अब आपको यही नहीं पता अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, फिर नहीं आपको समझ में आ सकती यहाँ बात। फिर तो बेटा आप पहले जो मैंने इसका बेसिक्स का बताया हुआ है सारा, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो पढ़ो शुरू से, देखो तब समझ में आएंगे। कंसेप्ट क्लियर करो तभी आपके कंपटीशन भी क्लियर होंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट अगर क्लियर होते हैं ना फिर कुछ मुश्किल नहीं होता कंपटीशन, ट्रिक्स पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। आया समझ में या नहीं, ठीक है। देखो थोड़ा सा तो कंजस्टेड हो गया, लेकिन फिर भी जहाँ नहीं समझ में आता पॉज कर लो, बैक कर लो, दोबारा से समझो नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, इस क्वेश्चन में मतलब पहले कोई कंसेप्ट अगर आपका अधूरा रह गया कि समझ में नहीं आया तो वो यहाँ क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले वो वीडियोस देखनी भी आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। बताओ आया समझ में, क्लियर, ओके, थैंक यू।